तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमने धोए हैं पूरी ये गेहूँ और पूरी मैंने यहाँ बालकनी को क्लीन कर लिया, सब सामान हटा के आगे इस तरह से मैंने दुपट्टा में धो दो के धोने से क्या है ना सारी मिट्टी वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। तो बस इस साइड इनको फैला दूँगी, दुपट्टा लगा लिया है। गाइस वेलकम बैक विद मी ब्लॉग, वेलकम बैक विद माय चैनल। कैसे हैं आप सब, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स ये मैंने जो ब्लॉग स्टार्ट किया है, मतलब मैं सुबह से हर जगह पर इतनी डस्ट है ना, मतलब जो बाहर की जो गर्म हवा है ना उसके साथ धूल भी है और इतनी गंदी वाली धूल जम जाती है ना बालकनी में भी धूल धूल। मैंने सारे पेड़ों में अच्छे तरीके से प्लांट्स को, मैंने जो हमारे जो थोड़े बहुत पौधे बचे हैं उनको अच्छे तरीके से धोया, ऊपर से नहला दिया और फिर सबके अंदर इतना पानी भर दिया ना, ढेर सारा पानी भर के, फिर जो पानी थोड़ा बहुत आ गया था धूल धूल जम गई थी और इतनी तेज़ हवा चलती है, धूल वाली हवाई चलती है, तो मैंने पूरी बालकनी अच्छे से साफ़ करी, पोछा लगाया, फिर पूरा घर साफ़ किया और शिवांश ने भी आज मेरी हेल्प की। शिवांश जा रहा ट्यूशन और खाना बस थोड़ी देर में ये मैं रेडी कर दूँगी, आज लेट हो गया, इतनी घर की सफाई करी है ना और ऊपर से ना मेरा दिमाग इतना चकराया हुआ, कहीं मतलब छुट्टियाँ पड़ गई कहने के लिए हॉलीडेज़, लेकिन क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं। शिवांश थोड़ी आवाज़ कम कर लो पीछे से, प्रगति शर्मा, प्रगति वर्मा का उसने वो चलाया हुआ। सो हाँ मैं यही कह रही थी कि शिवांश का जो हॉलीडे होमवर्क आया ना, देख के मेरा दिमाग इतना ख़राब है, कहीं जाने की सोचे तो मतलब एक महीने भर की छुट्टी मिलती है, उस हॉलीडेज़ में इतना सारा काम, इतना सारा हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं, पता नहीं क्यों टीचर्स इतना दे देते हैं और कराना किसको होता है, बच्चा है इतना छोटा, वो प्रोजेक्ट तो बना पाएगी, कंप्यूटर बनाओ लैपटॉप बनाओ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उसके आए। लास्ट ईयर आया था कच्चा हाउस पक्का हाउस, आपने देखा था, रात दिन में लगी रही थी बैठ के बना, बैठ बैठ के बनाए थे मैंने सारे वो किसी की मदद से। तो और अब ये सारी चीज़ें मैंने तो सच बताऊँ बनाए नहीं थी कभी, हमें तो हॉलीडे वगैरह के इस तरह के प्रोजेक्ट मिलते नहीं थे, अपने ड्राइंग का हाँ जरूर होम हमारे पास होम साइंस होती थी ना तो वो जरूर हम करते थे, कुछ फाइल्स वगैरह बनाते थे, लेकिन इस तरह के आजकल तो ऐसे ऐसे हार्ड प्रोजेक्ट आते हैं बच्चों के, बस बनाए जा रही हूँ और इस बार इतना सारा काम आया ना कि शुरू करो ना एंड ही नहीं हो रहा। कल मैंने 35 पेजेस थे जो मैंने इसके प्रिंट आउट करवाए हैं, जो मतलब अलग से असाइनमेंट वर्क है और एक्टिविटी का, और जो बाकी के प्रोजेक्ट है वो अलग छोड़ दीजिए, बाकी कितने सारे चार्ट पेपर हैं डैडी के लिए डायरी और कुछ ऐसे मीनिंगफुल ऐसे वर्ड्स ढूंढने वो लिखने हैं, अलग से चार्ट पेपर अर्थ डे का कुछ एक चार्ट पेपर बनाना है, मेंट है। तो मैं एक्चुअली पूजा ही करी थी मैंने, तो मेरे सर पे इसलिए दुपट्टा मैंने डाला हुआ है, अच्छा भी लगता है गर्मी में, मैंने ना हल्का सा इसे गीला किया हुआ है और अपने सर पे इसे इस तरीके से कवर किया हुआ है। और बाकी देखो मैं जिस तरीके से रेस्टिंग करती हूँ ना, आपको इतना गर्म पानी कि नहाना, और मतलब मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी सुबह नहा लूँ और शाम को भी नहा लेती हूँ, पसीने वसीने से हो जाती ना घर की, जब साफ़ सफाई करके पूरी तरह से खाना वाना बनाती हूँ ना शाम को, जब दिया जलाती हूँ मैं तो एक बार फिर से नहा लेती हूँ, तो नहाने का तो कुछ वो है ही नहीं, कभी भी नहा लो। और देखो मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये जो रखे हैं ना मैंने ला के, ये देखो ये मैंने पहले सारे ये जो कार्टून वाले डब्बे होते हैं सारे मैंने फेंक दिए थे, अब मुझे ये फिर से लाने पड़े हैं, लाने किस लिए पड़े हैं क्योंकि शिवांश के लिए प्रोजेक्ट बनाना। बेटा सिपर में से पानी पी लो, थोड़ा मिला लेना चिल्ड पानी ना हो, तो शिवांश भी अपना ये सिपर भर के रखता है हमेशा, इसमें से पानी पीता रहता है, इसको भर के रख देता है, इसलिए पर जिम्मेदारी ली हुई है, इसको ले जा रहे हैं ट्यूशन में, चलो रहने दो। तो फिर तो फ्रेंड्स यही था, देखो ये लेकर आई मैं कार्टून और बस लगूंगी अभी बनाने के लिए, और जाने का तो बस क्या ही प्लान बनाया, पहले तो इतना होमवर्क हो गया क्यों, ये टीचर से मतलब इनको लगता है कि ढेर सारा बस नोट डाउन कर दो, लिख दो, बना दो बस और भेज दो, अब लगी रहेंगी मम्मा। यार हमको भी कभी कभी थोड़ा सा, तो हमारा भी पूरे साल तो बच्चों के उसमें लगे ही रहते हैं कि ट्यूशन भेजो, ट्यूशन का काम, स्कूल का काम, और आए दिन असाइनमेंट आते रहते हैं, और रही बात ये महीने भर की छुट्टी मिलती है, छुट्टियों में इतना सारा वर्क दे देते हैं कि बस नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि टाइप बोर्ड गाइस आपसे क्वेश्चन बोलूंगा, फोन के लिए आपको सैमसंग ज्यादा अच्छा लगता है? आपकी आवाज़ ही नहीं गई, पता नहीं क्या कह रहा, सैमसंग ज़्यादा अच्छा लगता है आईफोन, किसको आईफोन अच्छा नहीं लगेगा, बेवकूफ़ बच्चा। तो बस मैं इसको अब जा रही हूँ छोड़ने, ठीक है, फिर इसके सारे मैंने जो इसकी प्रिंट आउट कराए हैं वो भी लेकर आऊँगी शाम को, शाम को बहुत सारे काम हो गए। किस किस को ये प्रॉब्लम लगती है बच्चों के हॉलीडे होमवर्क की, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बच्चा अभी इतना छोटा है ना हमारा, तो अभी वो जिम्मेदारी को ले नहीं पाता, ये सब जिम्मेदारी हमको ही निभानी पड़ती है। और आओ बेटा चलो आ गई लिफ्ट, तो फटाफट से मैं इसको छोड़ देती हूँ, आने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। आवाज़ कम कर दे बेटा, शिवांश तो आ भी गया और चला लिया उसने शाम के लिए खाना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो मैंने मंगाया था OTP से कई दिन में सामान, आज ऑर्डर किया था, आ गया था अर्ली मॉर्निंग, जो मैं दिखाती हूँ। वहाँ पर ये मैंने आलू मंगाए थे, आलू तो मैंने निकाल के साइड में रख दिए थे, अच्छे आलू थे, 30 रुपीज़ केजी आए हैं, और बाकी मैंने सारे सामान को ना जैसे मंगाया था वैसे एक बड़ी पॉलिथीन वाला आया था, साथ में इसमें डालती गई थी, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने भिंडी मंगाई थी, भिंडी है यहाँ पर,
और ये स्वीट, ये जो है स्वीट कॉर्न का ये पाउच मंगाया था, इस तरीके से डब्बे में पैक है। तो यहाँ पे ये टमाटर देखिए, और ये जो है ना ये तो मुझे ये भी संभाल कर रखने पड़ेंगे क्योंकि ये भी शिवांश के लिए ना काम आएंगे इसके प्रोजेक्ट में, तो अब मैं इनको फेंकूँगी नहीं। और ये बनाना भी खोल लेती हूँ। तो यही था इसमें, मैंने शायद साबुत मिर्ची आती है ना ये वाली आलू के साथ भर के फ्राई करूँगी मैं। अच्छा ये बड़ी वाली नहीं है, थोड़ी बड़ी से छोटी वाली है, चलो ये भी बना लेती हूँ। तो यही था सारा सामान सब्जियों का, बिना सब्जी के तो बिल्कुल अजीब ही लगता है घर, ऐसा लगता है घर में कुछ पैक करके दिए हैं। मुझे इनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगती है OTIP की, थोड़े बनाना जो हैं पके हुए हैं एक्स्ट्रा पक गए, तो बस मैं लगा देती हूँ इनको। और देखिए ये भी इसके नीचे रखा गया है, तो बड़ी शानदार पैकिंग लगती है इसे अच्छी तरीके से पैक करके, धो के लगा देती हूँ। ये ना लगाया हुआ था दूध का और बिस्किट और किशमिश का भोग, तो सो फ्रेंड्स आपको मैं दिखाती हूँ तुलसी का कॉर्न। देखो बालकनी कितनी साफ कर दी थी। ओहो इतनी गर्म हवा चल रही है ना, बस क्या ही बताऊँ, बहुत गंदे वाली हवा चल रही है। बाहर का मौसम देखो, शाम होते हुए भी ना बाहर तक आने में ना इतनी गरम गरम लू लगती है। और देखो मेरी तुलसी माता रानी जो है, ये जब भागवत हुई थी वो मैंने आपको दिखाया था ना, कितनी बड़ी बड़ी तुलसियाँ थी, ये देखिए ये सब सूख गई थी मेरी तुलसी, तो यहाँ पे खुद से ही उपज के आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लांट निकाल देती हूँ तुलसी का, ये मांग रही थी स्वाति, फिर शाम हो जाती है ना तो फिर निकालना सही नहीं है, तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ, रख देती हूँ ऐसे करके थोड़ा मिट्टी में लगा के। उसको दो प्लांट की आवश्यकता थी तो मैं एक और निकालती हूँ, एक कौन सा निकालूँ, एक दे देती हूँ ये वाला। इस तरह से मैं इनको यहाँ पर रख देती हूँ पानी में, और इतना इतना पानी भर के रखना पड़ता है मुझे, देखो उनके प्लान तो सारे सूख जाए। और ये देखो पत्ते कैसे मुरझा गए थे, सूख गए। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी आवाज़ अजीब सी हो गई है, तो इतना मैं तो पानी पीती रहती हूँ इतना सारा, तो उसके बाद तो मुझे अजीब लगी अजीब लगी ना, मुझे खुद भी अजीब लगी बेटे, मुझे वहाँ से हंस रहा था मेरी आवाज़ पे कि आपकी आवाज़ पे क्या हो गया, कभी कराना। देखो मेरा मैं टीका यहाँ पे लगाया और यहाँ लगा लिया, अचानक से यहाँ भी पता नहीं क्यों चला जाता है, ऐसे लगाती हूँ फिर टीका ही यहाँ भी चला जाता है हाथ मेरे, तो शिवांश भी लगा, शिवांश क्या कर रहे हो। तो चलिए ठीक है, इसका मैं होमवर्क में लगती हूँ, चलो सबको बता दो कितना होमवर्क आया है शिवांश स्कूल का। और इधर देखो स्कूल क्या होता है, स्कूल होता है। और ये था स्कूल का होमवर्क आया, तो अब खुश हो? नहीं, तो छुट्टियों में एंजॉय भी नहीं करने देते ना स्कूल वाले टीचर। सुहास कह रहा मम्मी इतना सारा होमवर्क क्यों। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।